हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुप्रिया। गाइस आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक स्किन ब्राइटनिंग फेशियल टोनर, जिसे लगाने के बाद आपकी जो स्किन है वो टाइटन होने वाली है, आपका फेस ब्राइटन होने वाला है एंड ग्लोई भी होने वाला है। सो गाइस इस टोनर को बनाने के लिए मैंने जो इन्ग्रीडियंट्स यूज़ किए वो बिल्कुल ही नेचुरली है एंड ये आपको बिल्कुल ही घर पर ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। सो गाइस अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए एंड साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अब मैंने ले लिए चावल। चावल को मैंने अच्छी तरीके से धो लिया था, 1 कप चावल मैंने लिए थे। उसे धोने के बाद मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र किया एंड 1 कप पानी मैंने उसमें ऐड कर दिया है। चावल को अच्छी तरह से धोने के बाद ही गाइस आप इसे यूज़ करें, क्योंकि इसमें जो पाउडर होता है वो हमारी स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। सो मैंने इस तरीके से इसमें 1 कप पानी ऐड करके रख दिया है। अब मैंने लिया है एक लेमन। अब मैं इस लेमन को नाइफ़ की हेल्प से यानी चाकू की हेल्प से पतले पतले स्लाइसेस में काट लूँगी। सो मैंने जो पतले पतले स्लाइसेस काटे थे उन्हें मैं उस बाउल में ऐड कर दूंगी यानी डिप कर दूंगी वाटर में, जिसमें मैंने चावल भिगो के रखे थे। इसे 1 घंटे तक हमें भिगो कर रखना है। आधा घंटा हो चुका है, हमने जो चावल भिगो के रखे थे और जो लेमन भिगो के रखे थे वो बिल्कुल ही स्मूथ हो गए हैं। अब हमें इसे अपने हाथों की हेल्प से इस तरीके से प्रेस करना है एंड जो लेमन है उसे भी हम इसी वाटर में प्रेस करेंगे एंड उसका जूस निकालेंगे। गाइस इस फेस टोनर को आप ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिए, क्योंकि ये आपकी स्किन को शाइनियर बनाएगा, आपकी स्किन को स्मूदर बनाएगा एंड आपकी स्किन की प्रॉब्लम से भी ये आपको छुटकारा दिलाएगा। सो गाइस आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड अगर आपकी कोई रिक्वायरी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में लिखें। आप देख सकते हैं हमारा जो फेशियल टोनर है वो बनकर रेडी हो चुका है। इसका जो कलर है वो मिल्की हो चुका है यानी ये रेडी है, रेडी टू यूज़। मैंने इस फेस टोनर को स्ट्रेनर की हेल्प से छान लिया था यानी छलनी की हेल्प से छान लिया था एंड आप अब इसे किसी स्प्रे बोतल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। स्प्रे बोतल में ट्रांसफ़र करने के बाद आप इसे अपने फेस पर स्प्रे कीजिए एंड जब भी आपको लगे कि आपकी जो स्किन है ज़्यादा स्वेट हो रहा है, दाने हो गए हैं फेस पे या आपकी स्किन डल हो चुकी है, आपका चेहरा बिल्कुल डल हो चुका है तो आप इसे यूज़ करें एंड इसे आप 10-15 डेज तक रिफ्रिजरेटर में स्टोर करके रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस आपको मेरी रेमेडी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके एंड आपकी जो भी क्वेरीज हो आप मुझे कमेंट में बताइए। सो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में।